स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर थर्ड। इससे पहले जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इससे पहले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का। इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी जैसे कि आप टैक्सी वगैरह है, टैक्सी वगैरह के अंदर आप जाते हो तो क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है टैक्सी का। फिक्स चार्ज मतलब जैसे कि आपको कितनी भी डिस्टेंस चलना है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उतने रुपए तो फिक्स चार्ज रुपए तो वो लेगा ही लेगा आपसे। जैसे हम मान के चलते हैं 20 रुपीज फिक्स चार्ज है टैक्सी का, तो 20 रुपीज तो चाहे आप 1 किलोमीटर चलिए या आधा किलोमीटर चलिए, 500 मीटर जाइए या 100 मीटर जाइए, तो वो फिक्स चार्ज तो आपसे वो लेगा ही लेगा। उसके बाद फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, प्लस जो भी उसका आपने डिस्टेंस कवर की है उसके अकॉर्डिंग जो उसका पर किलोमीटर का चार्ज है वो लेगा आपसे वो। जैसे मान लिया हमने 20 रुपीज तो फिक्स कर दिया है हमारा फिक्स चार्ज, तो 20 रुपीज तो वो हर किसी से लेगा ही लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रुपीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। जैसे मान लिया हमने 2 किलोमीटर और चले हम, तो 20 रुपीज तो वो है ही है हमारे, तो 2 किलोमीटर में पर किलोमीटर के लिए रुपए ले रहा है वो 10 रुपए, तो टोटल कितने रुपए पे करोगे आप 2 किलोमीटर चलने के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा। देखो 20 रुपीज तो आपको देने ही देने हैं, ये तो आपका फिक्स चार्ज है, प्लस आप कितने किलोमीटर चले हो 2 किलोमीटर चले, और पर किलोमीटर आपको कितने रुपए देने हैं 10 रुपए देने हैं, तो टोटल आप उसको जो टैक्सी ड्राइवर है उसको कितने रुपए पे करोगे, 20 + 20 मीन्स यू हैव टू पे 40 रुपीज। तो कुछ इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा कि जिसमें एक तो हमारा फिक्स चार्ज रखा जाएगा, एक हमारी चेक की जाएगी कितनी डिस्टेंस हमने कवर की है, और दूसरा हमने पर डिस्टेंस पे कितने रुपीज पे करने हैं। जैसे और कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 20 रुपीज फिक्स चार्ज है, अभी आपको चलना है जैसे कि 10 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की जगह आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये है हमारी डिस्टेंस, और उसके बाद इनटू हर डिस्टेंस पे हर 1 किलोमीटर पे उसको कितने रुपए पे करने हैं आपको 10 रुपीज, तो 10, तो अब आप कितने टोटल पे रुपए करोगे उसको जो ड्राइवर है उसको, 20 + ये कितना होगा आपका 100 = 120 रुपीज। मतलब ये तो आपका फिक्स है ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिक्स चार्ज, ये क्या है आपका डिस्टेंस, और ये क्या है आपका चार्ज पर किलोमीटर, मतलब जो आपका एडिशनल चार्ज है, ये लिखा हुआ है ना आपका, एक तो फिक्स चार्ज है और एक आपका चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, ये क्या आपका चार्ज फॉर डिस्टेंस, सिंपल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, मतलब पर किलोमीटर आपको कितना चार्ज पे करना है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो चेक करते हैं क्या लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम, इसी बेसिक को आपको ध्यान में रखना है जो भी हमने किया है यहाँ पे। तो देखिए क्या आपका, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, जैसे अभी हमने 20 रुपीज मान के चले हैं, टुगेदर विद, इसके साथ आपको क्या करना है, आपको चार्ज और भी देना है, वो चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, आप 2 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर चले, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। जैसे मान लिया स्टार्टिंग में आप चले हो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चले तो आपने टैक्सी ड्राइवर को कितने रुपीज पे किए हैं, 105 रुपीज, मतलब आप टोटल 10 किलोमीटर चले हैं, और जो 105 रुपीज आपने पे किए हैं इसमें आपका फिक्स चार्ज भी आ गया है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है आपका वो भी इसके अंदर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एड हो चुका है। फिर उसके बाद है फोर जर्नी, फिर दूसरी जर्नी की उन्होंने, तो अब चले हैं वो 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर में जो उन्होंने चार्ज पे किया है वो कितना है आपका 155। देखो डिस्टेंस कम थी तो चार्ज क्या था, कम था, अब डिस्टेंस बढ़ गई है, 15 किलोमीटर हो गई है तो चार्ज भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आपको बताना है कितने रुपीज को यहाँ पे फिक्स चार्ज रखा गया है, कि जो उसने 105 रुपए और 155 रुपए पे किए हैं, और कितना चार्ज है उसका पर किलोमीटर, मतलब आपको फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के बाद आपसे उन्होंने क्वेश्चन किया है, अगर आपको 25 किलोमीटर चलना है टोटल तो आप कितने रुपीस पे करेंगे। तो इसमें हम लेट मान के चलते हैं, क्या माने हम सबसे पहले कि जो हमारा फिक्स चार्ज है और जो चार्ज हम पर किलोमीटर पे करेंगे उसको हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है हमारा x रुपीज है। उसके बाद लेट द, उसके बाद क्या है आपका चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, लेट द चार्ज फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए आपका चार्ज कितना है
वाई रुपीज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर के आपको कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, वाई रुपीज, मतलब एक किलोमीटर चले तो वाई रुपए पर किलोमीटर आपके, उसके अकॉर्डिंग आपका वाई रुपीज है। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। अब देखिए आपको ये फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही करना है, प्लस आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चले हैं आप और वाई क्या है आपका, कितना आपको चार्ज पे करना है पर किलोमीटर, इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आपका फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ये है आपका 105। अब देखो डिस्टेंस भी चेक करो, जो डिस्टेंस लिखे हमने यहाँ पे, कितने डिस्टेंस चले हम 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे डी की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 10। ये क्या हमारा फिक्स चार्ज है, ये क्या हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, और ये क्या हमारा कितना हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी आपको कुछ इस तरह बनानी है, फिक्स चार्ज तो आपको देने ही देनी है, उसके बाद कितना डिस्टेंस चले आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चले और पर किलोमीटर आपको कितना चार्ज पे करना है, वाई रुपीज, और टोटल आपने टैक्सी ड्राइवर को कितने रुपए पे किए हैं आपने, 155 रुपीज। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करना है आपको, वही सिंपल सोल्व करना है इसको, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया है, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, क्या आएगी आपकी 105 माइनस 10y, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, जो कि इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड। अभी हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करना है, इन इक्वेशन सेकंड। तो लिख लीजिए बाय पुटिंग द, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्या निकाला अभी आपने, x, जो कि किसके इक्वल है, 105 माइनस 10y, इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना आपको, सेकंड। पुट कर लिए थे अभी, क्या आएगा आपका देखिए, अभी आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, लिख लीजिए इसको, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये सेकंड इक्वेशन आपकी। अभी आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, x की वैल्यू, तो x के लिए हम रख सकते हैं यहाँ पे, क्या रखेंगे हम, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब सोल्व कर लीजिए, y को इकट्ठा रखिए और जो बगैर वेरिएबल के उसको इकट्ठा रख लीजिए। अब यहाँ पे आपका प्लस का, माइनस का 10y है, यहाँ पे प्लस का 15y है, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, 5y इज इक्वल टू 155। ये साइड जगह आपका साइन चेंज हो जाएगा, 105 आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो 5y इज इक्वल टू, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 5 और 0 को सब्ट्रैक्ट किया 5 और 1 में से 1 आपका 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 50/5, y इज इक्वल टू 10 रुपीज, y इज इक्वल टू 10 रुपीज, मतलब ये y क्या मान के चले थे हम यहाँ पे, चार्ज फॉर द डिस्टेंस, मतलब जो आपने चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है, डिस्टेंस जितना भी आपने कवर किया है उसके लिए आपको कितने रुपए पे करने हैं यहाँ पे, 10 रुपीज। अब आपको निकालना है फिक्स चार्ज, ये बचा हुआ ना हमारा फिक्स चार्ज एक्स की वैल्यू, तो वो निकाल लीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, बाय पुटिंग द वैल्यू, किसकी वैल्यू ऑफ वाई, जो कि किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है आपको ये वैल्यू, थर्ड इक्वेशन, तो चेक कीजिए थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, लिख लीजिए 105 माइनस 10y, अभी y की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी, रख दीजिए 10 × 10, तो ये आ गया आपका 105 माइनस 100, 105 में से 100 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5, मतलब आपको फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज, 5 रुपीज पे करना है, और जो चार्ज पर किलोमीटर आपको पे करना है, जो एडिशनल चार्ज है वो कितना आपका, 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये आ गया आपका फिक्स चार्ज, लिख दीजिए यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज कितना है, एक्स मान के चले थे ना हम, एक्स इज इक्वल टू 5 रुपीज। उसके बाद है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना था मान के चले थे हम वाई, और वो किसके इक्वल आया था हमारा, 10 रुपीज। इस क्वेश्चन में और हमें एक्स्ट्रा भी सोल्व करना है, वो क्या है आपका, हाउ मच डज अ पर्सन पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कोई भी पर्सन है उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 25 किलोमीटर, तो हाउ मच ही हैव टू पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए। देखो एक तो आपको क्या करना है, फिक्स चार्ज पे करना है, वो तो करना ही है, उसके बाद आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज पे करना है, और डिस्टेंस पे भी आपका क्या, पर किलोमीटर जो चार्ज है वो क्या है आपका, वाई है, तो एक्स रख लीजिए यहाँ पे कितना है, 5 रुपीज आया आपका, देखो यहाँ से 5 रुपीज, इसको रख लीजिए 5 प्लस,
डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो क्वेश्चन में कितनी बोली उन्होंने, कितने किलोमीटर, 25। और वाई, वाई क्या है आपका, जो भी पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है आपका, 10 रुपीज। 10 तो कितना आएगा आपके पास, सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25 × 10, 250। और 5 और 250 को अगर आपने ऐड किया तो आ जाएगा आपका 255। मतलब अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज तो पे करना ही करना है, चाहे वो 1 किलोमीटर चले या कितना भी डिस्टेंस कवर करे। लेकिन अगर उसको 25 चलना है तो 5 तो उसको फिक्स चार्ज पे करना है, 10 रुपये उसको क्या करना है, हर 1 किलोमीटर के लिए चार्ज पे करना है। तो टोटल कितना पे करेगा वो, 255 रुपीज। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और पी बाई क्यू में जो पी है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और क्यू को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी निकालना है, आपको क्या निकालना है, इसे फ्रैक्शन निकालना, मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, तो आपको लेट करना पड़ेगा कि नोमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर आपका क्या है। तो न्यूमरेटर को लेट कर लीजिए, सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने क्या लेट कर लिया, एक्स, और जो लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे, वाई। फ्रैक्शन क्या होगा आपका, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई। आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला मैंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन है एक्स बाय वाई है जो आपका फ्रैक्शन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब जो आपने न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर को आपने लेट किया है, अगर उन दोनों के अंदर सेम नंबर, कितना नंबर, 2, अगर 2 को एड कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 9/11 के इक्वल। तो रख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये है आपका एक्स बाय वाई, फ्रैक्शन है आपका जो आपने लेट किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें आपको कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में आपको कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। इन्होंने बोला जैसे इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, 9/11 के इक्वल, 9/11 इक्वल आ गया है। लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, तो कर लीजिए इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, 11 की किससे मल्टीप्लीकेशन होगी, x प्लस 2 से, और 9 किससे मल्टीप्लीकेशन होगी, y प्लस 2 से। तो लिख लीजिए 11 की मल्टीप्लीकेशन होगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 × y + 2। सोल्व कीजिए इसको, 11 को x से मल्टीप्लाई किया 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 इज इक्वल टू 9 को y से किया 9y, और 9 को 2 से किया 18। y और जो x है उसको एक साइड रख लीजिए, और जो बगैर वेरिएबल के हैं उसको साइड रख दीजिए। तो आपका आ गया 11x, इस साइड शिफ्ट होगा आपका y, तो माइनस का 9y, और यहाँ पे कितना बचा आपका 18, उस साइड जाके आपका हो जाएगा -22। तो ये आ जाएगा आपका 11x - 9y = -4, जो कि हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको, चेक कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका। इन्होंने बोला है अगर 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो फ्रैक्शन आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6 के। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लीजिए, इसके अंदर आपको कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है दोनों के अंदर, और 3 ऐड करने के बाद जो ये आपकी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 5/6 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, 6 × x + 3 = 5 × y + 3। इसको सोल्व कर लीजिए, 6x + 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा आपका, 18, 5 को y से किया 5y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। x और y इकट्ठे रख लीजिए, और जो बगैर वेरिएबल के उसको साइड रख लीजिए, 6x इस साइड आके आपका -5y = 15, और उस साइड शिफ्ट हो गया आपका -18, तो 6x - 5y = -3। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2।
अभी आपको क्या करना है, वही आपके पास सिंपल फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, इनको आपको सोल्व करना है। अभी जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से आप x या y में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हम x की वैल्यू निकाल रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 11x इज इक्वल टू -4 + 9y, एक्स इज इक्वल टू -4 + 9y डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। तो लिख लीजिए यहाँ पे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड। तो लिख लीजिए पहले सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x - 5y = -3। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है तो कर दीजिए, x के आपके पास -4 + 9y / 11, -5y = -3। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन, 6 और -4 अगर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 24, माइनस का 24, 6 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 54, 9 6 = 54, और इसके साथ क्या है y, तो y लगा दीजिए, और डिवाइड में क्या है आपके पास 11 रख दीजिए यहाँ पे, उसके बाद -5y - 5y = -3। सोल्व कीजिए, यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1, ऐसे ले लीजिए कितना आ गया यहाँ पे 11, यहाँ 11 को 11 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा आपके पास, -24 + 54y - यहाँ 11 और 1 की डिवीजन की 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55y = -3/1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर बचेगा, 11 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 33। तो कीजिए इसको सोल्व, -24 + 54y - 55y = -33। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, इसकी जो बगैर वैल्यू थी उसको साइड रख दीजिए, 54y आपके पास प्लस का है और 55y आपके पास माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 माइनस किया तो 1 आएगा आपके पास, और 1 भी आपका किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 55 बड़ा है आपका, तो माइनस वाई लिख सकते हैं, सो 1 लिखिए या ना लिखिए ये बात है आपकी, तो -33, और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका माइनस है, उस साइड जाके आपका किसमें हो जाएगा ये प्लस में, +24। उसके बाद आप चेक कीजिए इसको, सोल्व कीजिए, -y = -33 + 24 - 9, क्योंकि बड़ा साइन आपका जो बड़ा नंबर हो गया आपका नेगेटिव है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया आपका 9, y की वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, x के अंदर रखेंगे जो कि थर्ड इक्वेशन है, और वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है हमें। अब चेक कीजिए इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू -4 + 9y / 11, तो x इज इक्वल टू -4 + 9 × y कितना है आपका 9 आया है डिवाइड बाय 11, तो ये आ गया आपका -4 + 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 डिवाइड बाय 11, तो x इज इक्वल टू प्लस का 81 और माइनस का 4, तो आपके पास क्या बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 77, 77 डिवाइड बाय 11 7 जो 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, अभी आएगी ना आपके पास y की वैल्यू कहाँ निकाली थी हमने, ये 9। तो फ्रैक्शन बताना आपको, फ्रैक्शन क्या था आपका x बाय वाई, तो फ्रैक्शन किस इक्वल आ गया आपका x/y = 7/9, ये है आपका आंसर।
इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करके, वो हमने एक्स वाई किया था, फिर हमने सोल्व किया है इसको, सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू आ चुकी है, फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में रख दिया एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 7/9। सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 years हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? देखो एज का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो भी प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोलेंगे उसी को आपको लेट करके चलना है। एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जिसकी भी एज को आपको मल्टीप्लाई दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 times है जैकोब की एज, यहाँ पे 7 times है जैकोब की एज, तो यहाँ पे आपको जैकोब की एज को मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 और 7 से, उसके सन की एज को मल्टीप्लाई करना आपको, क्योंकि इसमें हमें कैसा रिलेशन लेके आना होता है, इक्वल रिलेशन। तो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिख लीजिए सबसे पहले, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो हमने कितनी मान ली है एक्स ईयर्स, इसी तरह लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने वाई ईयर्स, उसके बाद इन्होंने बोला है 5 years हैंस, अब ये 5 years हैंस का क्या मतलब है कि 5 साल के बाद, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 years आफ्टर, आफ्टर बोल दे या हैंस बोल दे, उसका मतलब क्या है 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया अभी मेरी एज मान लिया मैं 20 है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और अगर ये बोल दे 5 years ago का मतलब एट प्रेजेंट मान लिया 20 है, तो मेरी 5 साल पहले कितनी एज थी 15, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आगे के पूछे जाए तो आपको एड करना है, और पीछे के बारे में पूछा जाए आपसे तो आपको इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 5 years हैंस मतलब 5 years के बाद, तो लिख लीजिए आप 5 years हैंस, अगर हैंस बोला है तो हैंस लिख दीजिए, आफ्टर भी लिख सकते हो आप, द एज ऑफ किसकी एज जैकोब की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, अभी कितनी है उसकी एक्स जितनी भी है उसके अंदर आपको क्या करना है 5 ऐड करना है ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है 5 years हैंस द एज ऑफ हिज सन, जो उसका सन उसकी एज कितनी हो जाएगी जितनी अभी है उसके अंदर 5 years आपको ऐड करनी है। अब उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, अभी देखो जो 5 years हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जो जैकोब की एज है वो क्या है 5 साल के बाद वो 3 times है अपने सन के, ये ऑलरेडी 3 times है, तो ये इसके इक्वल कब आएगा, जब इस एज को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 times मतलब 3 गुना, तिगुनी उम्र है जैकोब की उसके सन से, तो किसको तिगुना करना है हमें उसके सन की एज को, तो लिखिए क्या है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, कब होगा जब इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसको सोल्व कर लीजिए एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y+15, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स माइनस 3y=15, ये उस साइड जाएगा आपका 5, साइन चेंज हो जाएगा, तो x = x - 3y = 10, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर सेकंड भी बनानी है आपको, तो लिख लीजिए इक्वेशन सेकंड के लिए आपको क्या करना है 5 years ago जैकोब की एज और उसके सन की एज आपको बतानी है, तो इसमें लिख लीजिए 5 years ago द एज ऑफ जैकोब, जो जैकोब की एज है 5 साल पहले कितनी थी, प्रेजेंट में एक्स है तो 5 साल पहले कितनी थी x - 5, इसी तरह 5 years ago द एज ऑफ हिज सन, उसका जो लड़का है उसकी उम्र कितनी होगी 5 साल पहले y - 5, फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इन्होंने क्या बोला है जैकोब की एज 7 times है, ये 7 times है इसकी एज से, अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, ये एज इसके इक्वल आ जाएगी फादर की एज की, तो हम लिख सकते हैं x - 5 = y - 5, वैसे भी आपको ध्यान रखना है किसकी एज को आपको मल्टीप्लाई या प्लस करना है, जो एज में क्या है कम है, तो कम कौन है सन, तो इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है 7 से, इन्होंने यही बोला ना 7 times, आगे सोल्व कर लीजिए इसको, इसमें क्या हुआ एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू,
सेवन और वाई को मल्टीप्लाई किया सेवन वाई माइनस सेवन और फाइव को मल्टीप्लाई किया थर्टी फाइव एक्स माइनस वाई को इस साइड लेके आएंगे सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव और ये माइनस फाइव साइड जाके आपका हो जाएगा प्लस साइन का तो एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास ये थी और इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास ये है तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए क्या है यहाँ पे एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए x इज इक्वल टू टेन ये माइनस थ्री वाई है उस साइड जाके हो जाएगा आपका प्लस का थ्री वाई और ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको क्या करना है बाय पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको ये वैल्यू पुट करनी है जैसे हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के अंदर करते हैं वैसे ही करना आपको लिख दीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू x की वैल्यू इन इक्वेशन किस इक्वेशन में सेकेंड में तो लिख लीजिए पहले सेकेंड इक्वेशन क्या ये है एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी एक्स माइनस सेवन अब देखो हमारे पास क्या है x की वैल्यू पुट करनी है तो x रख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे x कितना है हमारे पास x है टेन प्लस थ्री वाई तो x ही रख लीजिए टेन प्लस थ्री वाई माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी यही है हमारे पास इक्वेशन थर्ड यही है हमारे पास इक्वेशन थर्ड के अंदर वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें सेकंड इक्वेशन ये है एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू थर्टी और किसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है एक्स की वैल्यू क्या है टेन प्लस थ्री वाई टेन प्लस थ्री वाई अब सोल्व कर लीजिए इसको ये आ जाएगा आपका थ्री वाई प्लस का है और सेवन वाई आपका क्या है माइनस का तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी और ये प्लस का है आपका उस साइड जाके आपका हो जाएगा माइनस माइनस टेन तो माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी और टेन कितना हो जाएगा माइनस का फोर्टी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू फोर्टी बाय फोर ये आ गया आपका टेन तो वाई इज इक्वल टू टेन ईयर्स वाई की वैल्यू आ गई आपके पास अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की तो नेक्स्ट लिख लीजिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकाली अभी आपने वाई की इन इक्वेशन किस इक्वेशन में रखनी है आपको थर्ड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन लिख लीजिए पहले क्या है आपकी ये ना एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई x इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री इंटू अब देखो y कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 10 आया था तो 10 वैल्यू पुट कर दीजिए 10 तो x इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री इंटू टेन कितना हो गया आपका 30 तो x इज इक्वल टू टेन प्लस थर्टी हो गया आपका 40 ईयर्स तो लास्ट में लिख दीजिए प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जैकोब जो कि हम कितने मान के चले थे x वो किसके इक्वल आ गया 40 ईयर्स नेक्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी जैकोब का जो सन है उसकी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी मान के चले थे हम y और y कितनी आई थी हमारे पास ये चेक करो 10 ईयर्स तो ये आ गया हमारे पास 10 ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ध्यान रखना है कि जिसकी एज कम है उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है या जो इन्होंने प्लस करने के लिए बोला है तो प्लस करना है थैंक्स Thanks for watching.